नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख, एनबीसीएन न्यूज की प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। डालते एक नजर प्रदेश की खबरों पर। मेरठ में आज रालोद कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। हाथरस कांड और रालोद नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी का पुतला फूंकने की कोशिश भी की। वही पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई और जमकर संघर्ष हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में योगी सरकार के इशारे पर पुलिस बेकसूरों के ऊपर जुल्म ढा रही है। रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हाथरस में लाठियां नहीं बरसाई गई, बल्कि पुलिस उनकी हत्या करना चाहती थी। यह सब योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में रालोद कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीड़ित परिवार से लोगों को आखिर मिलने से रोका क्यों जा रहा है। प्रदेश सरकार हर तरह से फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज से रालोद कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। देहात क्षेत्र से लोग ट्रैक्टर ट्रॉली आदि लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। सपा नेता पवन गुर्जर के नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में माधवपुरम में वाल्मीकि समाज के महिला और पुरुषों ने बहन मनीषा वाल्मीकि के पक्ष में हाथों में झाड़ू लेकर हाथरस के पूर्व भाजपा विधायक राजवीर सिंह के मुंह पर कालिक पोत कर प्रदर्शन किया है। वह मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की और प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा नहीं दी गई तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी सफाई व्यवस्था ठप्प कर देंगे। आपको बता दें कि सपा नेता पवन गुर्जर का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर अधिकारियों ने रेप की पुष्टि से इनकार किया, वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट में हाइमन पार्ट में चोट आई है। घटना 14 सितंबर की है और पीएम रिपोर्ट 29 सितंबर को आई है और बायोलॉजिस्ट का मानना है कि हाइमन की चोट 5 से 10 दिन में ठीक हो जाती है, जो पीएम रिपोर्ट में नहीं आई। पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के लोग गरीब परिवार को दबाने में कुचलने का काम कर रही हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देकर मठ में चला जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार मीडिया व विपक्षी कार राजनेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रही है और उन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज भी कर रही है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माधवपुरम सेक्टर 2 स्थित वाल्मीकि मोहल्ले में हमारी बहन मनीषा जो हाथरस में गैंगरेप हुआ है उसको लेकर के हत्यारों को फांसी की मांग के लिए यहां सभी समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के साथ खड़े होकर और एक प्रदर्शन करके हत्यारों को फांसी की मांग की है। और जिस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग प्रत्येक दिन सत्ताधारी लोग अपराधियों के पक्ष में बयान कर रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार से भी कार्रवाई की मांग करते हैं। राज्यसभा के सदस्य सुरेंद्र नागर ने कहा कि सांसद के पास हुए कृषि विधेयक का विपक्ष बेवजह विरोध कर रहा है। विपक्ष के नेता किसानों को उनकी उपज और वाजिब मूल्य दिलाना नहीं चाहते, यही कारण है कि निजी स्वार्थ के कारण कृषि विधेयक का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विपक्षी दलों के नेताओं की आदत है, इस विधेयक से उनका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो पंजाब में किसानों ने सरकार के माध्यम से ऐसा कर रखा है। केरल में एपीएमसी एक्ट आज तक लागू नहीं, जबकि विपक्ष के बड़े नेता वहाँ से सांसद है। कृषि विधेयक से किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिलेगा, किसान अपनी उपज का भाव तय कर सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष कृषि क्षेत्र में बिचौलियों को हावी रखना चाहती है। हाथरस कांड पर उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, दोषियों को सख्त से सजा मिलेगी, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया। इसी बिल को लेकर के जो भ्रांतियां थी, जो एक सस्पेंस था किसान और सरकार के बीच में, उसको खत्म करने की कवायद की है। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या बातें हैं, अब वो गुमराह हो रहे हैं या उनको बातें वो समझ में नहीं आ रही हैं जो आज अब सरकार के नुमाइंदे किसानों के बीच में जाकर के वन टू वन कर रहे हैं। देखिए, जो किसानों के लिए बिल लेके आए, सरकार बिल लेके आई और किसानों के हित का बिल, किसानों से को बिचौलियों से मुक्ति देने वाला बिल, किसानों को अपनी फसल बेचने का अधिकार देने वाला, किसानों को अपनी फसल का मूल्य तय करने का करार के माध्यम से लाभ देने वाला बिल है। राजनीति, क्योंकि ये सरकार बिल पास हुआ है तो ये नैतिक जिम्मेवारी पार्टी और संगठन की बनती है।
बिजनौर में लोक दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार को घमंडी और तानाशाही सरकार बताते हुए राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोक दल कार्यकर्ताओं ने राजमिलन बैंकट हॉल ने नुमाइश ग्राउंड तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उनका कहना था कि हमारे नेता जयंत चौधरी पर जो शांति से एक मीडिया कर्मी से अपनी बात कर रहे थे तभी पीछे से लाठीचार्ज किया गया जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं और इस घमंडी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वही योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की गई है। कल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी पीड़िता के परिजनों से मिलने हाथरस के भूलगढ़ी गांव जा रहे थे। जब वो बाइट दे रहे थे तो हमने देखा, आप सब लोगों ने देखा, टीवी पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था कि वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से खड़े होकर वहाँ पर एक टीवी चैनल को बाइट दे रहे थे। पीछे से पुलिस, पीएसी, सरकार के नुमाइंदे जो एसडीएम, एडीएम, सीओ वगैरह वहाँ पर आए और उन्होंने अचानक लाठी चार्ज करना हमारे नेता पर और कार्यकर्ताओं पर शुरू कर दिया, जबकि वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पीड़िता से मिलने जा रहे थे, उनके परिवार से बात करने जा रहे थे। उसी के विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल ने हमारे नेता पर जो लाठी चार्ज हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो लाठी चार्ज हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार को, इस योगी सरकार को, इस घमंडी योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तानाशाही सरकार को। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, पुतला फूंकने का भी काम हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया। आज द्वितीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को सदर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना। साथ ही आरटीओ सहित यातायात प्रभारी भी एआरटीओ ऑफिस पहुंचे। एआरटीओ ऑफिस में प्रोजेक्टर व पॉम्पलेट जनता को वितरित कर जागरूकता की गई। प्रचार वाहन जनपद के सभी कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर जनता को जागरूक करेगी। सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान 5 सितम्बर से 11 सितम्बर तक चलाया जाएगा। ये सड़क सुरक्षा के लिए पब्लिक सिटी हो, जो क्या क्या नियम है सड़क सुरक्षा के लिए, पब्लिक सिटी के लिए प्रचार वाहन भेजा गया। माननीय विधायक, सदर विधायक श्री देवेंद्र सिंह राजपूत के हाथों से एक ये सड़क सुरक्षा पब्लिसिटी बैंड का एक उद्घाटन किया गया, जो पूरे हफ्ते 5 से लेकर 11 तारीख तक हमारे पूरे जनपद के पूरे विभिन्न शहरों में और कस्बों में भ्रमण करेगी और लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देगी। तो प्रदेश के खबरों में वक्त हो चला है यही रुकने का। ताजा अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए इन बीसीएन न्यूज से। नमस्कार।